फर्स्ट टाइम आज नहा रहा है। बहुत सारे बालों के नुकसान के बाद मुफासा के जो बाल की जो जट हो गई थी वो सब निकल गए। दस जल्दी उठ गया आज। ये हमारा एग बन रहा है और हमारा खाना भी रेडी है। ये देखो, ये असली घी चलेगा शाम तक। भाई आप भी एग खा रहे हो, वेरी गुड। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। देखिए हमारा नाश्ता हमारे उठने के पहले ही बन जाता है। चलो फटाफट अभी गोट रूम में उन कपड़ों को देखते हैं, उन्होंने वो पत्ती खाई कि नहीं। डाले थे हम लोगों ने। अभी भी सुल्तानी खा रहा है ये पत्ती, और मुफासा नहीं खा रहा है, और नूरा भी नहीं खा रहा है। नूरा और मुफासा खा रहे हैं, उनको हरी पत्ती डाल दिया वो, और सिर्फ सुल्तान खा रहा है पत्ती वो। वाह, हमारा भी एक तैयार है। आज हमारा लेग्स डे है, एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी इसके लिए। मैं खा के यार दूँ। आज है हमारा ना लेग्स डे, और लेग्स डे में ऐसी वाट लगती है ना, क्योंकि देखो जिस्म का सबसे बड़ा मसल होता है लेग्स, थाइस जो है वो सबसे बड़ा मसल होता है। मगर लोग है ना बहुत वो छोड़ देते और बाकी सारा वर्कआउट देते हैं, मगर लेग्स कभी मिस नहीं करना है। लेग से पहले मैं पीता हूँ अपनी ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी से क्या होता है, ब्लैक कॉफ़ी दो चीज़ होती है। ब्लैक कॉफ़ी से होता है, एक तो तुम्हारा एनर्जी बूस्ट होती है, दूसरा फैट बर्नर का काम करता है। I'm gonna make my shots off. ऑलमोस्ट लेग्स के सारे वर्कआउट हो गए और मैंने सारे दिखा भी दिया आपको। बस एक बचा है अभी, वो है सीटेड काफ रेजेस, वो भी दिखा देता हूँ। आज फटाफट मैंने पूरा वर्कआउट कंप्लीट किया और उसका ब्लॉग भी बनाया। अच्छा लग रहा है, बहुत लाइट मार रहा हूँ क्योंकि ना फॉर्म इंपॉर्टेंट है, वेट इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, वेट मारना होगा जब उस ट्रैक पर जाएंगे तो वेट भी मारेंगे। बहुत लोग है ना थाइज मिस कर देते, थाइज नहीं करते, अपर बॉडी पे ज़्यादा ध्यान देते। मगर एक बात बता दूँ, थाइज मारने में जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है ना वो बहुत काम की चीज़ होती है। बस गूगल करना कि टेस्टोस्टेरोन क्या क्या करता है, आपको समझ में आ जाएगा। ज़रा सर्च करो गूगल में टेस्टोस्टेरोन के बारे में, वो रिलीज़ होता है तो क्या क्या करता है। और लेग्स मारने में सबसे ज़्यादा रिलीज़ होता है टेस्टोस्टेरोन।
चलो भाई हमारा तो वर्कआउट हो गया, हम तो जा रहे हैं अभी। तुम लोग रोज जूस पी रहे? हाँ। बर्फ भी है उसमें? नहीं। हाँ, नहीं। पिघल गया बर्फ। तुम्हारे लिए कल व्हाइट हेड जूनियर की क्लास है, दो इसी जाए था अभी। चलो आते आते हमें लेट हो गया क्योंकि रास्ते में वीआईपी मूवमेंट थी, इसके लिए रोक के रखा था ट्रैफिक पूरा। तो फटाफट खाते यार। रोटी बनाओगे क्या? आ रहे हो मेरे साथ? चलो मस्त रोटी बनाते तुम तो यार। चलो हम लोग बाहर क्यों आए माही? किसको निलाने देखते हैं। चलो फर्स्ट टाइम आज नहा रहा है पापा। आज एक ही बस है, वो भी पूरी तरीके से क्लीन नहीं हुआ है। एक से दो, दो से तीन बार वॉश होगा जब जाके क्लीन होगा वो। ये देखो कैसा बेचैन हो रहा है। जब तक जो वॉश वाला सोप है ना, अभी तो मैंने रेगुलर सोप से वॉश किया हूँ, मगर जो बकरों को निलाने वाला एक साबुन आता है उससे जब तक नहीं निलाएंगे जब तक दाग नहीं निकलेंगे। और अभी तो मेन जो कर्लीनेस है ना वो निकालनी है मुझे, अभी तो मेहनत शुरू होगी। तो बहुत सारे बालों के नुकसान के बाद मुफासा के जो बाल की जो जट हो गई थी वो सब निकल गए माशाल्लाह। अभी सही है एकदम। अभी कहता हमेशा नहाते रहेगा ना तो कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। साफ लग रहा है मगर पूरी तरीके से साफ नहीं किया हम लोगों ने। देखो बाल देखो कितने वेस्ट हुए, मगर उसी की भलाई के लिए किया हम लोगों ने सब। अभी फटाफट इसको अंदर शिफ्ट कर देते हैं। सही है क्या? मस्त लग रहा है मुफासा, एकदम क्लीन क्लीन लग रहा है। जहाँ पे येलो येलो डाग है वो साबुन आने तक तो नहीं निकलने वाले। मुफासा को वॉश करने के चक्कर में मैं तो भूल ही गया कि चने भिगाया ही नहीं मैंने। जो नॉर्मल चने आते हैं वैसे ही देने पड़ेंगे। क्या हो गया भाई? चलो दे दे फिर, मगर कुछ भी बोलो जो मेहनत की है हमारी डबल मेहनत हो गई। एक तो जिम में मेहनत हो गई और एक घर पर आने के बाद मुफासा को वॉश करते हो। ना क्लीन लग रहा है, देखो वाइट मिल्क, देखो क्या मस्त लग रहा है यार, एक नंबर लग रहा है। देखो क्या मस्त खा रहे। एक बार खुर कट जाएगी ना मज़ा आ जाएगा। कल आएंगे शायद अनीस भाई, अभी फर्स्ट राउंड डाल दिए, सेकंड राउंड के लिए अपने आप ही आवाज़ देने लग जाएंगे। तब तक मैं भी खा लेता हूँ। बस एक ही मील खाया हूँ मैंने वर्कआउट से आने के बाद बस। हाँ और मॉर्निंग में जाते हो एग्स खाए थे। सेकंड राउंड क्लियर हो गया, वेरी गुड। हो ये आज भी आ गए हैं मैडम जी। मैडम जी आपको डर नहीं लगता? हम आपसे रोज आकर पूछते हो, आप तो बड़े ढीठ हो मैडम जी। क्लियर हो गया मस्त भाई साहब, आप क्लियर कर दो। जानवर है ना थोड़ा देखो गीला दाना खाने में भी दिक्कत देता ही है, उस वजह से वो भिगाया हुआ चना जो है थोड़ा खाने में दिक्कत दे रहे थे। मगर आज हम लोग भूल गए तो देखो सूखा हुआ चना रखे तो डायरेक्ट खत्म कर दिया, दो राउंड फिनिश हो गए इनके। देखो फर्क लग रहा है आप लोगों को? अभी जो सवेरे से लेके अब तक का जो मैं व्लॉग बना रहा था वो बना रहा था गोप्रो, और अभी जो मैं ये शॉट ले रहा हूँ ये ले रहा हूँ मैं अपने सोनी के कैमरा से। तो बहुत फर्क होता है क्लियरिटी के मामले में और माइक के मामले में भी, आवाज के मामले में भी बहुत फर्क होता है। बस करो, माही आमना की एक रील बनाया था मैंने मुफासा के साथ दोपहर में, वो अब मैंने एडिट करके अपलोड किया, देखो मजा आएगा। मस्त रील बनी है। कैसी रील बनी है माही? वो मजा आई ना, तुम गिरते गिरते बचे थे, मैंने पकड़ा तुम्हारे को। हाँ ना, मैं बस अभी अपना काम करते करते कमेंट्स पढ़ रहा था। मैंने कमेंट्स पढ़ा जो कल मैंने आप लोगों को पूछा था कि ये घास के बारे में थोड़ा बताओ, कितने सारे लोगों ने
इतना अच्छा उस पर बताया, कमेंट में प्रॉपर लिखा है। हाँ, ये अच्छा लगता है जब आप लोग पूरा प्रॉपर कमेंट करते हो। सब लोगों ने एकदम मस्त कमेंट किया, मगर सबसे बेहतरीन कमेंट किया जाबिर ने, जेके। अरे जेके तो उस्ताद आदमी है, अभी जेके से हमने भी बहुत कुछ सीखे हैं। जेके कौन, अपने जाबिर भाई, जिनका पड़गा में बहुत जल्दी फार्म ओपन होने वाला। बेचारा दिन भर सवेरे से लेकर रात तक, शाम तक वहीं पर रहता है, अपने फार्म की तैयारी कर रहा है। पड़गा में ही वो फार्म आने वाला है। जेके भाई तो बहुत अलग कलाकार आदमी है। जेके ने भी बहुत बड़े बड़े बकरे तैयार किया था, मुझे अच्छे से पता है। वही मैंने कमेंट पढ़ा जेके का, कि जेके उसमें बता रहा है कि बरसीन बोलते है इसको, घास का नाम बहुत लोगों ने बताया, मगर जेके ने जो बताया ना कि खिला सकते हो मेंढी चेक करके, इतनी डिटेलिंग में जो बताया ना जेके ने, ये उस्ताद आदमी बता सकता है। जेके बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, हमेशा की तरह मुझे इस बार भी कोई एक नई चीज़ सिखाने के लिए, और बाकी भाइयों का भी शुक्रिया जो आप लोगों ने सारी चीज़ें बताई। चलो अभी टाइम क्या हो रहा है देखो, 8:30 बजने आए हैं। मैं अभी एक्शन वाली दुनिया में चले जाऊँगा, और वहाँ मैं हो जाऊँगा बिजी, तो वहाँ पर बिजी होऊँगा तो यहाँ पर ध्यान नहीं दे पाऊँगा। तो ये ब्लॉग को यहीं पर एंड करते, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। माही और आमना की एक रील बना के मैंने इंस्टा पे डाला, उम्मीद करता हूँ वो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर देना। टिल देन स्टे सेफ, पीस, हास्ता ला विस्ता, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड गुड बाय।